सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के हरगढ़ गांव से। अभी सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं और कल हम लोगों ने यहीं पर नाइट स्टे किया था वीरू भैया के घर पर। तो एक अच्छे से सुहावने से दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है इस गाँव के राजकीय इंटर कॉलेज से। तो चलिए ब्लॉग में आज के दिन पे क्या क्या होता है आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ की जो सुंदर सुंदर चोटियाँ हैं, हमारे यहाँ पे जैसा होता है कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चोटियाँ जैसी है, जैसे कि हमने जैसे किताबों में देखा था, कहानियों में पढ़ा था, तो उस टाइप की यहाँ पर चोटियाँ हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काफ़ी सुंदर सी जगह है और काफ़ी कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल रहा है। तो चलिए जी, गांव की स्कूल का जितना भी एरिया मेरे से हो पाता है मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। कुछ जगह इस साइड भी है, कुछ बिल्डिंग स्कूल की, तो काफ़ी बड़े एरिया में स्कूल बनी हुई है। और भैया लोग कह रहे थे कि जितना भी स्कूल का एरिया है सारे उन्हीं के खेतों में बना हुआ है। और सबसे खुशी की जो अच्छी बात है वो ये है कि गांव के शोरगुल से बिल्कुल अलग स्कूल को बनाया गया है। और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ इस गांव से लेकर यानी कि चमोली ज़िले में मैंने ज़्यादातर देखा है कि बांज बुरांस के पेड़ काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और देवदार और चीड़ के पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। और अभी यहाँ स्कूल में जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिल रही हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। साथ में यहाँ पे जो है अंग्रेजी के कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, और बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे पहाड़ी जो बच्चे होते हैं उनको जो कॉमन सेंटेंस होते हैं डेली यूज़ के, तो वो भी हम लोगों को नहीं आते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि बच्चों को ये याद हो जाए। साथ में यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जो है, हमारे टाइम पर भी हम लोग ऐसे लिखा करते थे, जो कुछ बच्चे होते थे तो अपने विचार यहाँ लिखा करते थे ब्लैक बोर्ड पर। तो यहाँ पर लिखा है कि ढूंढोगे तभी रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिल खुद चलकर कभी नहीं आती है। वैसे यहाँ पे कभी भी लिखा हुआ था लेकिन वो काव्य ने मिटा लिया है, तो बात सही लिखी है, ढूंढेंगे तभी रास्ते मिलेंगे, यानी कि हम लोग जब मेहनत करेंगे हमें तभी अपनी मंजिल मिलेगी, जो भी है यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो बाकी सामने जो पहाड़ियाँ हैं, पूरे जो है पूरी पहाड़ी में पूरी जो चोटी सामने दिखाई दे रही है, सारे जगह जो है चीड़ और देवदार के पेड़ ही यहाँ पर ज़्यादातर हैं। तो हमारे जैसे यहाँ पर उतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नहीं हैं, छोटे छोटे जो चोटियां हैं वो बहुत सुंदर हैं, काफ़ी सुंदर सा व्यू दिखा रही हैं। और साथ में जो है यहाँ पे जो है खेती की अगर बात करें, कोदा मंडवा, मतलब कोदे को हम लोग मंडवा, मंडवे को हम लोग कोदा कहते हैं, तो कोदा हो गया, झंगोरा हो गया और धान हो गया, और सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे जो पैदावार होती है तो वो होती है यहाँ पर चाय की, चाय की खेती भी यहाँ पर की जाती है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ के चाय की जो खेती होती है जिन खेतों में, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो कल हम लोगों का नाइट स्टे इस वाले घर में हुआ था, और यहाँ ठीक सामने घर के सामने है गांव की स्कूल जो कि बहुत ही सुंदर लोकेशन में बनी हुई है। साथ में आप लोग देख सकते हैं जिस घर में हम लोग रुके हुए थे, तो इस घर की छत जो है पत्थरों की बनी हुई है, तो इसको हमारी गढ़वाली में इस घर को ना कूड़ू बोलते हैं, पठाली वालों कूड़ू, यानी कि जो छत बनी है ये जो पत्थर है इनको पठाली बोलते हैं, तो पठाली वाला घर है। और अंदर से इसका जो है पूरा लकड़ी का काम किया हुआ है, तो काफ़ी सुंदर घर यहाँ पे, हर जगह यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही घर हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। बाकी केले की पैदावार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, केले बहुत ज़्यादा होते हैं। और नीचे देखिए, ये है यहाँ पे चाय की खेती के बागान, चाय के खेत हैं यहाँ पे नीचे, क्योंकि अभी वहाँ धूप लगी नहीं है तो इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर है चाय पत्ती की खेती, या कोई पूरे मोनी तक
अच्छा, तो यहाँ पे वीरू भैया जी की जो वाइफ हैं, तो भाभी जी कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब घर से यहाँ नीचे तक गधेरा है नीचे, तो वहाँ तक पूरा एरिया इनका अपना है, और जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी चाय की खेती है तो सारे इन्हीं का है, और घर के उस साइड भी जितने खेत हैं तो सारे इन्हीं के हैं। और यहाँ अंदर देखिए आप लोग, पूरा घर के अंदर जो है लकड़ी का काम किया हुआ है, और यहाँ पे ये वाला कमरा जो है यहाँ दादी जी का है, और दादी जी अभी यहाँ छज्जे में बैठ के जो है चाय पी रही हैं। दादी हाँ, चाय पियो ना, फीकी चाय पियो ना, मीठी चाय ना मीठे नहीं पीने। फीकी हाँ, गुड़ वाली चाय नहीं पियो ना, गुड़ वाली भी पियो ना। ना अच्छा, तो हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं जैसे सासू जी हुआ ना, सी गुड़ वाली चाय पियो ना, गुड़ वाली। हाँ, तो यहाँ पे दादी जी कह रही मैं फीकी चाय ही पीती हूँ, और हमारे यहाँ पे जो है गुड़ के साथ सासू जी लोग चाय पीते वो हैं। जब कुंजा वो ना कुंजा, हाँ तब कुंजा खोल ले इतना कतर, अच्छा इतना टुकड़ा कुंजा। हाँ अब बैग में चेन वाल निकल। अच्छा, और घर से देखिए ये रहा कमरा, पूरा लकड़ी का काम किया हुआ है, ऊपर भी पूरी लकड़ी की छत बनाई गई है, यानी कि लकड़ी है और ऊपर से थोड़ा गीली मिट्टी का लेप लगाया हुआ है, ऊपर से पठाल रखी हुई है, और यहाँ जो है बहुत पूरी रेक जो है ऐसे लकड़ियों की बनी है, तो काफ़ी बड़ा कमरा है। और कमरे से बाहर का व्यू देखिए आप लोग, क्या शानदार है, चारों तरफ जो है हरे भरे पहाड़ हैं, और सामने तो क्या ही कहें, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत प्यारा है। मेत वो खिंचवा बने साइड चौ, हाँ मधमेश्वर सुनी जी, मधमेश्वर तख्ती साइड चौ। हाँ, तुम तो यहाँ बड़ा लग दो, अपना घर बड़ा लग दो, अच्छा लगता आपको यहाँ? बहुत बढ़िया है, हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया चीज। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। यू की स्कूल दूर छो, दूर छा यू छोटा बच्चे स्कूल का। तो चलिए जी, अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो गई है, और आज के ब्रेकफास्ट में है गोदे और मंडवे और आटे की मिक्स रोटी है, दही हो गया और मिक्स वेज हो गया, और साथ में पहाड़ी जो घी होता है वो। तो चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, टेस्टी टेस्टी नाश्ते का हाँ आनंद ले लेते हैं। जी, कल हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे भैया जी के घर पे, तो ये हैं भाभी जी, हम लोग इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। तो काफ़ी टाइम पहले से, मतलब कुछ दिनों से ये काफ़ी बीमार थी, तो हम लोगों ने सोचा कि भैया हमारे साथ इतने टाइम से रह रहे हैं और उनकी वाइफ अगर बीमार है तो हमें थोड़ा हाल चाल पूछने के लिए जाना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो अभी भाभी की जो है खेत जाने की तैयारी है, क्योंकि नज़दीक इनके खेत हैं, बीमार भी हैं लेकिन पहाड़ी हैं तो काम तो करना ही होता है, तो इनकी तैयारी खेत जाने की हो गई है। आप कुछ कहेंगे अपनी गढ़वाली जो बोली है यहाँ की, उसी में आप कुछ हाँ, कहेंगे? मैं खेत जा रही हूँ, दीदी लोग अब जाएंगे तो मैं भी खेत जा रही हूँ। अपनी जो गढ़वाली या खेत भाषा अच्छा होता है बोला जाए। अच्छा, मैं तुम जानो ये बात तो कभी आया लगी है तुम भी। अच्छा, कागजा भी लिया, छुटवाता भी लिया, तब तो इनकी जो यहाँ की बोली है वो हमारी यहाँ की बोली से काफ़ी डिफरेंट है। जब ये आपस में ये लोग बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपस में ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगी आपदा मिली थे, और जो तुम्हारे गाँव चे मुलुक चे बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आप लोगों से मिल के। तो ढंग से जाए अपन अपन अपनो काम हम ढंग से करें, हाँ अपनो स्वास्थ्य भी दो अपना, है ना। तो चलिए ये लोग जा रहे हैं खेत के लिए, और हम लोगों की तैयारी हो गई है घर जाने की। तो अभी सुबह के लगभग 9:30 हो गए हैं, और हम लोग अभी यहाँ से निकले नहीं हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि जो गाइड भाई साहब हमारे हैं कल के, तो वो अपने घर गए हुए हैं, तो
तो उनको आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो आपको यहाँ की जो गौशाला है भैया लोगों की, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक भैंस पाली हुई है, साथ में छोटे छोटे बछड़े हो गया, गाय होगी, और यहाँ पे भैंस का बच्चा भी है, और ये ना मारने के लिए आ रही है। और कुछ टाइम पहले हमारी भी ऐसी भैंस हुआ करती थी, जो कि हमने अब बेच दी है, और उस भैंस के सिंग भी ऐसे ही नीचे के साइड को थे। और इनके देखिए, इस साले भैंस के जो सिंग हैं वो काफ़ी बड़े हो गए होंगे शायद, तो नीचे से काट भी रखे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली है, यहाँ पे जो बैल होते हैं ना, और गाय जो बैल होती है ज़्यादातर ना वाइट कलर की होती हैं। तो यहाँ देखिए गौशाला के सामने भी केले के पेड़ लगे हुए हैं, उस साइड भी हो गया, इस साइड भी हो गया, और साथ में यहाँ पे राई भी बोई है, और घास फूस के बहुत ज़्यादा पौधे हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे हैं। और इस साइड जो है चीड़ के पेड़ हैं, साथ में यहाँ पे ना ये जो स्टोर करके रखा हुआ है, ये है जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसकी पत्तियाँ, जिसको पिरूल बोलते हैं यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे ना इसको पिल्टू बोलते हैं, और यहाँ पे पिरूल बोलते हैं। और 12 मास ये इसका यूज़ करते हैं, इस तरह से गाय भैंस को नीचे बिछाने के लिए। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सिर्फ ठंड के टाइम पे बिछाया जाता है पशुओं के नीचे ये, लेकिन यहाँ पे जो है 12 मास बिछाया जाता है। और सबसे जो एक और बात थी, कल के व्लॉग में मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई थी, मैंने सिर्फ देखा था, लेकिन फ़ोन में ऐसे वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाई थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि भैंस हो गया, गाय हो गया, जैसे यहाँ पे गाय के गले से बांधा रखा है ये, तो मतलब गले से बांध रखा है गाय को, लेकिन यहाँ पर देखिए भैंस का जो है पैर बांधा हुआ है भैंस का, तो ये सबसे अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ की भैया लोगों की गौशाला भी आप लोगों को दिखा दी है, आसपास का जो व्यू है वो आप लोगों को दिखा दिया है। बाकी कल हम लोग जो है उखी मठ से चोपता होते हुए गोपेश्वर मंडल, गोपेश्वर गैरसैण मयाली चौरी से होते हुए कर्णप्रयाग वाले रूट से यहाँ पे आए थे। तो यहाँ मतलब यहाँ मयल चौरी से बाद जो है धारा पानी हो गया, और धारा पानी से ये वाला गाँव हो गया हरगढ़ गाँव, तो यहाँ पर रुके हुए थे हम लोग। और शाम को हम लोग यहाँ से आगे घुरियाल गांव हो गया, बंजियाणी हो गया, और बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा, बहुत सारी जगहें देखी जो कि काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती हैं, और वास्तव में काफ़ी खूबसूरत भी है। तो वहाँ से हम लोग ऊपर को गए थे नागचूला मार्केट, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट का मार्केट है। तो वहाँ से पीछे जो है बैजरो दिखता है, दूर दूर के जो कुमाऊँ के गांव हैं पौड़ी साइड दिखता है, तो काफ़ी सुंदर यहाँ के नज़ारे रहे, काफ़ी सुंदर, बहुत ही बढ़िया यहाँ का एक्सपीरियंस रहा। और आज हम लोग जो है रुद्रप्रयाग वाले रूट से घर को जाएंगे, क्योंकि कल वाला जो रूट था वो काफ़ी लॉन्ग पड़ गया था हम लोगों के लिए। तो चलिए थोड़ी देर में हम लोग घर के लिए निकलते हैं।